नमस्कार, मैं पीयूष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं द नेटवर्क। स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है, माँ ब्रह्मचारिणी का अर्चना किया जाता है। चलिए चलते प्रमानंद जी के पास और उनसे करते वापस से कुछ सवाल कि क्या विशेष विधि रहती है इस पूजा करने के लिए और क्या विशेष लोगों को करना चाहिए। देखिए, जो ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होती है इसमें भी वही साधारण सी पूजा होती है, खाली इसमें हमको अलग से करना ये है कि हमको अपना जो ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का मतलब ये जो हमारी दुर्बुद्धि है, दुर्गुण है, उनको हम दूर रखें, उनके साथ पूजन करें भक्ति का, बस यही ब्रह्मचारिणी का वो है, अलग से कुछ नहीं है। मतलब हाँ, प्रसन्न करने के दुर्गुणों से दूर रहें हम। दुर्गुण जो हैं वो मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब यही है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, दुर्गुणों से दूर रहें। विशेष कोई सावधानी बरतनी होती है इसके लिए? बस वही है कि दुर्गुणों से दूर रहें, जो हम दुर्गुण हैं हमारे जितने भी सांसारिक या शारीरिक दुर्गुण हैं उनको दूर करें। पूजा करने का समय अब कलश स्थापित हो गया है पहले दिन, तो वही है अब सुबह से शाम तक अपना जो जैसा करें। पाँचवें दिन चार दिन तक, पाँचवें दिन पंचमी और षष्ठी एक दिन है। कोई विशेष विधि माता को प्रसन्न करने के लिए? विशेष कुछ नहीं है, विशेष अपनी अपनी श्रद्धा इच्छा के अनुसार जो जितना विशेष अपने मनोकामना के लिए जो हम विशेष करेंगे वही है, वो प्रतिदिन का है। तो जैसा आपने सुना परमानंद जी के बारे में कि कोई विशेष विधि नहीं है माता को प्रसन्न करने के लिए, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे द नेटवर्क।